नमस्कार, मैं हूं शेफ निखिल और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं स्वाद की इस महफिल रस्म रसोई में। आप लोगों ने एक बात पे गौर किया होगा कि कुछ साल पहले तक हम विदेशी खाने के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसके बाद चाइनीज खाना आया, उसके बाद केक्स और पेस्ट्रीज, और जब से हम इंडियंस के लिए विदेश जाना बहुत ही आसान हो गया है तब से तो बस विदेशी खानों की बाढ़ सी आ गई है। और ऐसी ही कुजीन के बारे में हम बात करेंगे जो है लेबनीज कुजीन। जी हाँ, आज हम लेबनन के खाने की बात करेंगे। लेबनन एक देश है मेडिटेरेनियन रीजन में, तो वो ग्रीस, टर्की, साइप्रस और इन सब देशों के पास आता है। तो नॉर्मली सबकी कुजीन सेम ही है, लेकिन यहाँ के कुछ खाने हैं जिसकी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मेजे प्लेटर से। इसके लिए हमें चाहिए, हमारे पास यहाँ पर है पीता ब्रेड, लेमन जूस यानी नींबू का रस, हमारे पास यहाँ पर है चॉप्ड चिलगोजे यानी कि पाइन नट्स, दही, चॉप्ड पार्सले बारीक कटा हुआ पार्सले, सफेद मिर्च का पाउडर, हमारे पास है यहाँ पर बारीक कटा हुआ पुदीना, चिलगोजे होल, ये हमारे पास चॉप से यहाँ पर होल है, हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज के ब्लॉक्स हैं, ये हमारे पास फाइव स्पाइस पाउडर, इसमें पांच तरह की स्पाइसेस डलती हैं। यूं तो आप किसी भी तरह की स्पाइस डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ हमने जो स्पाइस डाली है वो आपको मैं नाम बता देता हूँ। इसमें हमने छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची डाली है, दालचीनी डाली है, स्टार एनीस डाला है, जीरा डाला है और सिचुआन पेपर डाला है। हमारे पास यहाँ पर है नमक, टाहिना, ये जो तिल का पेस्ट होता है वो है यहाँ पर हमारे पास, बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो वो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और साथ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो लेमन जूस। तो उनका खाना बहुत खट्टा मीठा सा होता है, मीठा तो सिर्फ स्वीटिश होती है लेकिन खट्टा और चटपटा होता है। हमारे पास है यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, ऑलिव ऑयल, हमारे पास यहाँ पर एक डिप है जो हमने धनिया और पुदीने से बना रखी है, ऑलमोस्ट एक चटनी की तरह है लेकिन इसमें लेमन जूस और गार्लिक भी डाला हुआ है। तो मेजे प्लेटर एक तरह का कबाब प्लेटर होता है, यानी कि खाने से पहले जो सर्व किया जाता है उस तरह का एक प्लेटर होता है। इटालियन जो कुजीन होती है उसमें इसे एंटीपास्टी कहते हैं, हमारे यहाँ इसे कबाब्स कहते हैं, तो वैसा ही कुछ प्लेटर होता है ये। हमारे पास है यहाँ पर खीरा जिसे हमने अच्छी तरह ग्रेट कर रखा है, बीच के उसके जो बीज होते हैं वो निकाल दिए हैं, और उससे जो उसका पल्प होता है उसका गूदा है यहाँ पे। और हमारे पास है यहाँ पर काबुली चना जिसको हमने पहले ही बॉयल किया हुआ है उसे भिगो के, और कुछ चिली फ्लेक्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेजे प्लेटर में हम यहाँ तीन चीजें बना रहे हैं। पहला तो बनाएंगे हम हुमस। तो हुमस के लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए। हुमस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे काबुली चने, और चाहिए होगा एक ग्राइंडर, क्योंकि ये एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट होता है काबुली चने का। तो इसमें हम ये काबुली चने डाल देते हैं, करीब एक कटोरी। इसको पहले हमने भिगोया है और उसके बाद इसे बॉईल किया है। इसमें हम डालते हैं ताहिना यानी कि सेसमे सीड पेस्ट, तिल का पेस्ट, ज्यादा नहीं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और अगर ये ज्यादा डल गया तो डिश को एकदम कड़वा कर देता है, तो इसको ज्यादा नहीं डालेंगे। इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, और इसमें डालेंगे नींबू का रस, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा लहसुन, जैसा मैंने कहा कि लहसुन ऑलमोस्ट हर चीज में डलता है वहां पे, एक चम्मच, और अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का एक स्मूथ पेस्ट आ जाएगा हमारे पास। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं क्योंकि इसे भी थोड़ा सा और सीजन करेंगे हम। तो ये स्वादिष्ट तो है ही, साथ में इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं क्योंकि काबुली चना यूज हुआ है। अब इसमें एंड में थोड़ा सा लेमन जूस और डाल देते हैं। देखिए और थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं इसे, और इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। और अब बनाते हैं दूसरा मेजे। इसके लिए हमें चाहिए चॉप पार्सले, ये हम लेंगे करीब एक कटोरी, और रफली देखा जाए तो चार बड़े चम्मच है हमारे पास, अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। इसमें डालेंगे चॉप मिंट यानी कि पुदीने के पत्ते जो हमने चॉप कर रखे हैं। अब डालेंगे इसमें पाइन नट्स यानी कि चिलगोजे, तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देते हैं ये फाइव स्पाइस पाउडर,
जो हमने यहाँ बनाया है। और डाल देते हैं इसमें लेमन जूस, डालते हैं इसमें नमक, तो चलिए ये मेज़े भी हमारे पास रेडी है, इसको भी अब साइड में रख देते हैं। अब आती है तीसरे मेज़े की बारी, ये हम बनाने जा रहे हैं ज़ज़ीकी। ज़ज़ीकी एक तरह का, अगर हम उसे इंडियन कुज़ीन में कहें तो उसे एक रायते की तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लेंगे दही एक कटोरी और से अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, यानी कि फेंट लेंगे। दही को अच्छी तरह फेंटने के बाद उसमें खीरा, जिसका हमने कद्दूकस कर रखा है, उसे डाल देते हैं। अब हम इसमें बाकी की चीजें डालते हैं। डालते हैं इसमें लहसुन एक चम्मच, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर ये भी स्वादानुसार। मेज़े हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब इसके साथ पीटा ब्रेड जो सर्व करनी है उसे गर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे तवे की फ्लेम ऑन कर देते हैं। ज़ज़ीकी में लेमन जूस बाकी है तो डाल देते हैं, थोड़ा खट्टा कर देते हैं इसे। तो चलिए अब इसे सर्व कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर सर्विंग प्लेटर रेडी है। ये हमने डाल दिया ज़ज़ीकी, अब हम डाल देते हैं ताबुले। बारी है हुमस की। हम इसमें इस तरह से डिप्रेशन बना देते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक डिप है जो बनी हुई है, वो भी सर्व कर देते हैं। और अब लेते हैं ऑलिव ऑयल और ये हम इस डिप्रेशन में डाल देते हैं इस तरह से। और हमारे पास ये जो चीज के ब्लॉक्स थे, ये हम डिप के ऊपर डाल देते हैं। पैन गरम हो चुका है तो पीता ब्रेड गरम कर लेते हैं। पीता ब्रेड भी एक बहुत ही ट्रेडिशनल ब्रेड है लेबनन की, और खैर उस रीजन में हर जगह यूज होती है, ग्रीस में यूज होती है, टर्की में यूज होती है। पहले इसको चॉपिंग बोर्ड पे रखते हैं और इसे हम काट लेते हैं। इस तरह से, और ये भी हम प्लेटर पे सर्व कर देते हैं। और ये भी इस तरह से सर्व कर देते हैं। तो तैयार है हमारे पास एक बहुत ही वैरायटी वाला और बहुत ही जल्दी बनने वाला टेस्टी मेज़े प्लेटर। मेज़े प्लेटर बनाने के लिए आपको चाहिए काबुली चना एक कटोरी, ताहिना दो छोटे चम्मच, जैतून का तेल चार बड़े चम्मच, नींबू का रस आधा कटोरी, कटा लहसुन दो छोटे चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक छोटा चम्मच, चिलगोजे दो छोटे चम्मच, कटा पार्सले एक कटोरी, पुदीने के पत्ते एक छोटा चम्मच, फाइव स्पाइस पाउडर दो छोटे चम्मच, दही एक कटोरी, कसा हुआ खीरा एक कटोरी, नमक स्वादानुसार, पुदीना डिप एक कटोरी, पीता ब्रेड एक, चिली फ्लेक्स एक छोटा चम्मच, चीज ब्लॉक्स गार्निश के लिए। हुमस बनाने के लिए एक मिक्सर में चने, ताहिना और नींबू का रस लें, उसमें जैतून का तेल और लहसुन मिलाकर पीसें, लाल मिर्च मिलाएं और ऊपर से जैतून का तेल डालें। ताबुले बनाने के लिए एक बर्तन में पार्सले, चिलगोजे और पुदीना लें, फाइव स्पाइस पाउडर, नींबू का रस और नमक मिलाएं। ज़ज़ीकी बनाने के लिए एक बर्तन में दही, खीरा, लहसुन और लाल मिर्च मिलाएं, इसमें नींबू का रस और नमक मिलाएं। पुदीने के डिप को चीज ब्लॉक से गार्निश करें। पीता ब्रेड को गर्म करें और काट कर सर्व करें मेज़े प्लेटर के साथ।